आप जो है आप मेडिसिन क्या लिखोगे साइड? मेडिसिन्स में पीसीओएस को अगर हम बात करें आयुर्वेद में आज सच किसी भी रोग से नहीं किया जा सकता कोरिलेट। ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। हालांकि पुष्पग्नि काश्यप ने जो पुष्पग्नि रेवती का वर्णन किया है उससे आप इसको थोड़ा कोरिलेट कर सकते हैं, जिसमें कि एनोवुलेटरी साइकिल्स क्योंकि होती है। आयुर्वेद में मैंने एक ये लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बना रखी है कि मुझे क्या क्या चीजें उसकी ठीक करनी होती हैं। ट्रीटिंग द इंसुलिन रेजिस्टेंस, सबसे पहले मुझे इंसुलिन रेजिस्टेंस ठीक करनी है उसकी। हार्मोनल इंबैलेंस को ठीक करना है, इन्फ्लेमेशन को ठीक करना है और उसकी ओबेसिटी और हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल्स एंड एट लास्ट टॉक्सिन्स को रिमूव करना है। तो ये पांच चीजों पे मैं ध्यान रखते हुए ट्रीटमेंट करती हूँ और 100% रिजल्ट्स मिलते हैं। सभी पेशेंट्स जो हैं इन्हीं लाइन ऑफ ट्रीटमेंट पे ठीक हो जाते हैं। एक एक करके बात करते हैं। ट्रीटिंग द इंसुलिन रेजिस्टेंस, इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए शतावरी बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। शतावरी जो है उसकी वजह से प्रोलैक्टिन लेवल्स बढ़ते हैं और प्रोलैक्टिन हमारी बॉडी में इंसुलिन की को सेंसिटिविटी को मेंटेन करती है और पैनक्रियाज में इंसुलिन बनाने वाले सेल्स को जो है वो रेगुलेट करती है। इससे जो है हाइपर इंसुलिनेमिया नहीं होता। गुडुची, गुडुची को तो बहुत ही श्रेष्ठ प्रमेह का द्रव्य बताया गया है। तो ये जो है इसका हाइपोग्लाइसिमिक एक्शन होता है, बॉडी में जो है ग्लूकोज लेवल्स को कंट्रोल करता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस को मेंटेन करता है। तो ये दोनों ही द्रव्य ऐसे हैं, इन दोनों की जैसे कि लोहे घनवटी आप साथ में दीजिए। सेकंड इज करेक्टिंग हार्मोनल इंबैलेंस। हार्मोनल इंबैलेंस को ठीक करने के लिए अशोका बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। अशोका ऋषि किया जा सकता है। इट इंप्रूव्स द ऑल द फीमेल हार्मोन्स, सभी हार्मोन्स को ये बैलेंस में करके चलता है और साथ ही एंडोमेट्रियल स्पास्म को भी रेगुलेट करता है। रिलैक्सेस द यूट्राइन मसल्स एंड एंडोमेट्रियम, प्रोवाइडिंग रिलीफ फ्रॉम एब्डोमिनल स्पास्म ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। नेक्स्ट इज लोत्र। लोत्र भी जो है हार्मोनल इंबैलेंस को कंट्रोल करता है। बेसिकली ये जो है मेल हार्मोन्स जो बढ़ रहे हैं उसको भी कंट्रोल करके चलता है। इट नॉर्मलाइजेस एफएसएच एलएच लेवल्स, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन एंड एंटी एंड्रोजेनिक प्रॉपर्टीज है इसकी एंड रिड्यूसेस द टेस्टोस्टेरोन लेवल्स जो बढ़ गए हैं। इट वर्क्स एज एन एक्सीलेंट यूट्राइन टॉनिक। तो ये दो मेडिसिन, एक और है शतपुष्पा। शतपुष्पा को बहुत ही काश्यप में जो है इसके बारे में वर्णन किया गया है कि ये ऋतु परिवर्तनी है, योनि विशोधनी है और साथ ही पुत्र प्रदा कहा गया है और विवेकाधीन। तो ये क्लासिकल हर्ब है सभी और इनको जो है अगर हम देखें इस पे साइंटिफिक रिसर्च हुई है कि ये ईस्ट्रोजेनिक एज वेल एज एंटी ईस्ट्रोजेनिक एक्टिविटी करती है। क्यों ऐसा? क्योंकि ये टारगेट ऑर्गन पे, किस ऑर्गन पे काम कर रही है इस पे डिपेंड करते हुए कि वहाँ ईस्ट्रोजन के लेवल को कम करना है या ज्यादा करना है। इसीलिए इसको एंटी ईस्ट्रोजेनिक भी कहा गया और ईस्ट्रोजेनिक भी कहा गया है और इसीलिए हम जो है अति आर्तव में भी देते हैं और अनार्तव में भी इसे देते हैं। नेक्स्ट इज रिड्यूसिंग इन्फ्लेमेशन इन द बॉडी टिश्यूज। इन्फ्लेमेशन यानी कि शोथर द्रव्य जो देने हैं उसमें मेडिसिन कौन सी हो सकती है? यही सब गुरुची, शतपुष्पा, दशमूल अच्छा शोथर होता है वो हो गया और साथ में मंजिष्ठा। मंजिष्ठा जो है बहुत अच्छा एंटी इंफ्लेमेटरी एक्शन है क्योंकि ब्लड प्यूरिफाइंग भी है तो ब्लड की सर्कुलेशन को यूट्रस में इम्प्रूव करता है। रिड्यूसिंग द ओबेसिटी एंड हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, ये हमारी फोर्थ लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है। इस चीज को भी हमें ध्यान में रखना है कि हमें ओबेसिटी ठीक करनी है तो मेदोहर औषधियों का सेवन कराएं। मेदोहर में मेदोहर विडंग आदि लो, नवाकुकुल दे सकते हैं, ताम्रभस्क, त्रिकटु, ये सब अच्छी बेनिफिशियल हैं। रिड्यूसिंग लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसको बिल्कुल नहीं भूलना है कि टॉक्सिन्स को बॉडी में से निकालना है। बल्कि गुरुचि कुमारी ये जो है अच्छी एंटीऑक्सीडेंट्स हैं तो गुरुचि की तो बिल्कुल जरूरत होती है, पीसीओएस में अपने देनी ही है। सब कुछ देते हुए उसे भूल जाओ ऐसा नहीं। तो इन सब चीज़ों से हम जो है पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं।
80% से जो है इन्हीं चीजों से ठीक हो जाता है, कुछ अगर अदरवाइज आपने हिस्ट्री प्रॉपर नहीं ली तब कहीं अगर फेलियर आ गया तो अलग बात है, वो भी आप जब दोबारा से स्टडी करोगे तो क्लियर हो जाएगा। तो इन्हीं मेडिसिन से, इन्हीं आहार से, इन्हीं विहार से आप जो है इस बड़े मॉन्स्टर को किल कर सकते हैं। कितना बड़ा मॉन्स्टर है जिसे हमें किल करना है, क्योंकि सीरियसली मैं बता रही हूँ 10 में से 3 या 4 पेशेंट पीसीओडी के गायनी प्रैक्टिस में मिलेंगे। थैंक यू सो मच। This is my Kriya Sharir book, जो कि मैं आज सभी के सामने एक बार रिप्रेजेंट करने के लिए लाई हूँ। This is about the textbook of Kriya Sharir with modern physiology, ये अभी पब्लिश हुई है और इसका जो है अभी चौखम्मा पे और अमेजोन पे अवेलेबल है। Kriya Sharir का कोई भी कंसेप्ट इससे बाहर नहीं है। Everything is